दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, जहां पर इस समय मोहन की हालत इतनी ज़्यादा मार मार के मजबूत कर दी है बहुत ज़्यादा, जिसके बाद में मोहन की माँ बेहद ज़्यादा रोती हुई नज़र आ रही हैं और वहीं झूठ मूठ के आंसू जो निकाल रही है दामनी भी वहीं पर ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों आखिरकार जिसने भी ये हरकत की है मोहन उसको बकसने वाला नहीं है, क्योंकि मोहन साफ साफ बोलता हुआ नज़र आ रहा है कि जिसने ये सजा जिसने भी कलाकारी की है उसको हम सजा देंगे। वहीं बात की जाए राधा की, तो राधा वहाँ से निकलने के लिए अपने बालों में से एक पिन निकालती हुई नज़र आ रही है, जिसके बाद में कुछ बुल्टों को खोलकर और वहाँ से सीधा सीधा निकलने की कोशिश करती हुई नज़र आने वाली है, क्योंकि राधा को पता है कि कब क्या कैसे करना है। वहीं दामनी की बात की जाए तो दामनी को डर सताने लगा है कि ऐसा ना हो कि मेरी पोल पट्टी खुल जाए। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा भयभीत नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कहानी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये भी एक रियलिटी ही है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा है, और इसके लिए दोस्तों अब कहानी में एक और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। नया ट्विस्ट के रूप में अगर देखा जाए तो इस समय सभी लोग बेहद ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आने वाले हैं। आप लोग जानते ही हैं, बात की जाए इस समय राधा की, तो राधा साफ साफ खुले शब्दों में बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मोहन है, मोहन कोई बुरा नहीं है, बल्कि राधा बोलती हुई नज़र आएगी कि मोहन नहीं करा सकता, मुझे जो करा सकता है गायब और मुझे मरवाने की कोशिश जो कर सकता है वो खाली एक ही शख्स है, वो शख्स कोई और नहीं है बल्कि आप लोग जानते ही हैं कि वो शख्स है दामनी और कावेरी, क्योंकि ये दोनों ही इस काम को करा सकती हैं। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।